जय माता दी। ये अभी श्री माता वैष्णो देवी धाम में कुछ देरी पहले आप सबों से हम लोग माता का आशीर्वाद के साथ में आप लोगों से रूबरू हुए थे, मिले थे अभी, लेकिन एक थोड़ा अधूरा रह गया था सूचना जो हम देना चाहते हैं। इस वर्ष श्री माता वैष्णो देवी धाम में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जो 31 दिसंबर को हमारे स्वामी जी महाराज श्री हृदयानंद गिरी जी महाराज उपस्थित रहेंगे और 1 जनवरी को भी उनका आशीर्वाद सबों को मिलेगा और 31-31 मार्च को साल का विदाई और साल का आगमन दोनों का यहाँ कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान से कुछ कलाकार हम लोग बुलाए हैं जो देखेंगे सर के ऊपर बहुत सारे हंडी लेकर के एक साथ वो नृत्य करती हैं। उन कलाकारों का यहाँ आगमन होगा, उनको बुलाया गया है 31 तारीख को 31 दिसंबर को। और जैसे ही 1 जनवरी 2024 आएगा तो हमारे श्री स्वामी हृदयानंद जी महाराज के चरण कमलों से आशीर्वाद सबों को मिलेगा। उस दिन काफ़ी रश रहेगा, उसका भी व्यवस्था किया जा रहा है। साथ ही साथ स्थापना दिवस जो मंदिर का है मार्च अप्रैल में जो आता था उसको हम लोग भूमि पूजन का दिन शिफ्ट किए हैं गर्मी को देखते हुए। अप्रैल में काफ़ी गर्मी रहता है, बहुत लोगों का तकलीफ होता है, उसको देखते हुए हम लोग भूमि पूजन जो किए थे फरवरी महीना में, तो फरवरी महीना में चुना गया है। इस बार 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा, जिसमें इस बार हनुमान जयंती के ऊपर हनुमान जी के ऊपर में हम लोग पूरा कार्यक्रम करेंगे। सबसे पहले स्थापना दिवस में श्री माता वैष्णो देवी धाम का हो गया था पुराण, उसके बाद में शिव पुराण हुआ था, अभी हनुमान जी का बारे में होगा। हनुमान चालीसा बोलिए, हनुमान जयंती का ऊपर में बोलिए, बहुत सा प्रवचन हमारे स्वामी जी देंगे और लोगों को आशीर्वाद देंगे, समझाएंगे और विस्तार रूप से हमारे मुख्य पुजारी जी आचार्य राहुल शास्त्री जी बताएंगे कि कैसे होगा, बाकी विधि विधान समझा दीजिए पंडित जी। जय माता दी। हमारे संस्थापक जी ने जैसे बताया आपको कि हमारा जो वार्षिक उत्सव 21 अप्रैल को आता था उसको गर्मी की वजह से परिवर्तित किया गया है, तो आपके दर्शकों के माध्यम से समस्त जमशेदपुर झारखंड वासियों को हम ये सूचित करना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं कि उनको भी जानकारी हो जाए कि वार्षिक उत्सव जो हमारा है वो 16 फरवरी को रहेगा और 16 फरवरी का जो कार्यक्रम रहेगा वो 10 फरवरी से शुरू होगा और विधि विधान से जिस प्रकार हर वर्ष कलश यात्रा होती है इस बार भी पूरा कार्यक्रम जो है वो उसका खाका तैयार किया जाएगा, उसके बाद पब्लिश किया जाएगा। तो उससे पूर्व नववर्ष की पूर्व संध्या पर यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा और वो भी एक दर्शनीय होगा, तो शायद झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि इस प्रकार के कलाकार यहाँ पर पधारेंगे और माता वैष्णो देवी धाम के माध्यम से सबको जन जन तक, आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पर इकट्ठे हों और बढ़िया से उस कार्यक्रम का आनंद लिया जाए। और जो ये वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम रहेगा वो 10 फरवरी से रहेगा, वो हनुमत के ऊपर रहेगा, वो हमारे पूजनीय प्रातः स्मरणीय आदरणीय गुरुदेव जी का आदेशानुसार वो जो भी कार्यक्रम रहेगा हनुमान जी के ऊपर रहेगा, क्या पता हनुमान बाहु के ऊपर या हनुमान चालीसा के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन किए हैं। 2018 में हमारा बहुत बड़ा यज्ञ हनुमान यज्ञ हुआ था, वहाँ पर 41 फीट ऊँचे हनुमान जी को 18 क्विंटल से ज़्यादा लड्डू का भोग लगवाया गया था। ऐसे दर्शनीय कार्यक्रम जो है वहाँ आपको देखने को मिलेंगे और इस बार भी कुछ ऐसा करने की योजना है, अभी उसके ऊपर हमारी माता वैष्णो देवी धाम जो ट्रस्ट बन चुका है तो उनके अध्यक्ष स्वामी जी हैं, साहू जी हैं और इन सब के ट्रस्टी लोग हैं, उन सब के साथ मीटिंग किया जाएगा कि किस प्रकार उसको सुनियोजित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए और उस कार्यक्रम को आपके चैनल के माध्यम से हम जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वार्षिक उत्सव जो है 21 अप्रैल के बदले 16 फरवरी।